देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 टीवी न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताजा खबरों की नोटिफिकेशन। आए दिन समाज में लोगों ने नेक काम के कई किस्से सुनने को मिलते हैं जो अपने कर्तव्य से दूसरे लोगों को संदेश देते हैं। इस कड़ी में हम बात कर रहे हैं तिंवरी के युवा जाबाजों की टोली की, जो नहर में गिरे गोवंश की जान बचाने में जुटे हैं। देखते हैं जोधपुर के तिंवरी से हमारे संवाददाता सत्येंद्र सिंह राजपुरोहित की खास रिपोर्ट। इस वक्त हम खड़े हैं सित्र से गुजरती हुई इंदिरा गांधी नहर के किनारे। जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि यह सित्र की इंदिरा गांधी नहर है जो सित्र से गुजरती है, लेकिन इन दिनों इस नहर में कभी गाय, कभी नील गाय तो कभी बकरी के गिरने का सिलसिला आम हो चुका है। उसका कारण साफ है कि नहर के दोनों तरफ ना तो किसी प्रकार की दीवार है, ना किसी प्रकार की तारबंदी है, जिसके चलते जो जानवर पानी पीने की फिराक से आते हैं और नहर में गिरते हुए आए दिन देखे जाते हैं। इसी बीच सित्र के युवाओं की एक टोली ऐसी भी है जिनको इस प्रकार की सूचना मिलने पर वो अपने सारे कामकाज छोड़कर अपने इस तरफ रेस्क्यू में जुड़ जाते हैं। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। तिवरी से गुजरती इंदिरा गांधी नहर जो समूचे जोधपुर की प्यास बुझाती है, दूसरी ओर ये नहर मवेशियों की मौत का कारण भी बनी हुई है, क्योंकि नहर के दोनों तरफ ना तो कोई दीवार है, ना ही तारबंदी और ना ही कोई सुरक्षा गार्ड। इसके चलते अक्सर जानवर यहाँ पानी पीने आते हैं और नहर की डिक्की में गिरकर मौत का शिकार हो जाते हैं। आए दिन में गायों पड़े थोड़ा मन सूचना मिल जाए ना, हमारी पूरी टीम एक जगह भेड़ी हो जाए, उन गाय ने निकाल दे और रात में कितनी गायों जा वो ध्यान पड़े को नहीं, दिन में पत्तो चले उनमें गाय ने आगे जाऊँ दो नहीं। पहले तो कहीं है गायें कटे, कहीं है कि अपन बहुड़ी हाथ में गायें पड़ती को नहीं, अब कहीं गवर्नमेंट दोनों पर सफाई करवा दी, इन्हें हिसाब गाय ज्यादा पड़े। मौत की इन खबरों के बीच यहाँ के जाबाज युवाओं की एक टोली ऐसी भी है जिसने गोवंश को बचाने का संकल्प लिया है। नहर के पास रहने वाली इस टोली को जब भी किसी गाय के नहर में गिरने या बहने की सूचना मिलती है तो अपनी जान की परवाह किए बगैर ये युवा नहर के किनारे पहुंच जाते हैं और गोवंश को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। छोटे हों या बड़े, सभी अपने स्तर पर जुगाड़ कर गाय को मौत से बचाने के लिए रेस्क्यू में जुट जाते हैं। कई बार तो हाइड्रो मशीन का भी उपयोग किया गया है। इन युवाओं का कहना है कि गाय की रक्षा करना हम सभी का दायित्व है, इसलिए हमारी भी कोशिश रहती है कि गोवंश बचा रहे। नहर के दोनों ओर कटीली झाड़ियां हटाकर रास्ता तो साफ कर दिया है, लेकिन प्रशासन से अपील भी की गई है कि नहर के किनारे कोई स्थायी दीवार बनाई जाए जिससे गायों को मौत से बचाया जा सके। हर रोज यहाँ इंदिरा गांधी कैनाल में आवारा पशु गिरते रहते हैं। ये जो मतलब सफाई का कार्य हुआ इसमें मतलब से पहले थोड़ी बहुत चार दीवारी थी वो तो गिर गई, और मतलब पशु पानी पीने के लिए तो अंदर देखते हैं तो वो अंदर गिर जाते हैं, और हर रोज का ये काम चलता है और हम हमेशा का मतलब 3-4 गाय पकड़ निकालते रहते हैं। जो इंदिरा गांधी नहर पूरे जोधपुर जिले की प्यास बुझाती है, वही इन दिनों जानवरों की मौत का कारण बनती हुई नजर आ रही है। इसमें स्पष्ट रूप से प्रशासन की लापरवाही देखी जा रही है। हम A1 टीवी के माध्यम से प्रशासन से दो मांगे रखते हैं कि एक तो त्वरित प्रभाव से इस नहर के पास कोई ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर जानवरों के गिरने के सिलसिले को रोका जाए, साथ ही जो युवाओं द्वारा सराहनीय प्रयास किए जा रहे हैं उसको प्रशासन द्वारा कहीं ना कहीं सराहा जाए जिससे और भी लोग उनसे प्रेरित हो। A1 टीवी ऐसे युवाओं के जज्बे को सलाम करता है। कैमरामैन गिरधारी सिंह के साथ सत्येंद्र सिंह राजपुरोहित, A1 टीवी, तिवरी।